कॉन्वेंट स्कूलों में लगातार बढ़ रही फीस और मनमानी के विरोध में अभिभावक अब सड़क पर उतर आए हैं। इसी के चलते वाराणसी के मैदागिन पर बनारस के कार्यकर्ताओं ने प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के विरोध में नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने विरोध जुलूस भी निकाला और प्रदर्शनकारियों ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यह मनमानी तरीके से हर साल बच्चों की फीस बढ़ा देते हैं और किताबें बदल देते हैं। अभिभावकों के शोषण के लिए नए नए फरमान जारी किए जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश न लगाए जाते तक आक्रोशित अभिभावकों ने अपना आंदोलन और भी बृहद करने की चेतावनी दी है और केंद्र सरकार से रोक लगाने की मांग की है। मैं मुकेश जायसवाल, अध्यक्ष सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब। आज हम लोग निजी स्कूलों में जो बेतहाशा बेलगाम फीस में वृद्धि हुआ है उसी के खिलाफ मैदागिन चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञात हो कि पिछले साल की भांति इस बार भी प्रत्येक कक्षा में 700 से 800 रुपया प्रति महीने स्कूलों में फीस बढ़ा है। जो फीस पिछले साल 6,100 था वो अब करीब 7,000 हो गया है। बच्चे और अभिभावक दोनों परेशान हैं। पिछले साल CBSE बोर्ड ने एक आदेश पारित किया था सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को कि स्कूलों में फीस जो है अभिभावक के सहमति से बढ़ेंगे, लेकिन फिर अभी स्कूल वालों ने मनमानी करते हुए फीस को बढ़ाया है। हम केंद्र में बैठी सरकार मोदी सरकार से और प्रदेश में बैठे योगी सरकार से ये मांग करते हैं कि वे स्कूलों पर नकेल कसने का काम